पुलिस हम अरेस्ट करके ले जा रहे हैं, हम जेल जा रहे हैं। भानु प्रताप जी को यहाँ से डिटेन किया जा रहा है, पुलिस ने डिटेन कर लिया। पुलिस ने हमें डिटेन किया है, पुलिस हमें लेके जा रही है, जहाँ भी लेके जाएगी हमें कोई दिक्कत नहीं है। कानून का पालन करते हुए हम उनके साथ जा रहे हैं और इस देश से ईवीएम को खत्म करके लोगों के संवैधानिक मताधिकार को बचाने की लड़ाई है और ये लड़ाई हम लगातार जारी रखेंगे और 2024 का चुनाव किसी भी हालत में ईवीएम से नहीं होने देंगे। इलेक्शन कमीशन मोदी की तरह तानाशाह बना हुआ है, ये देश की जनता किसी हालत में बर्दाश्त नहीं करेगी। वो पब्लिक सर्वेंट है तो पब्लिक के लोगों से नहीं मिलेगा, इंडिया गठबंधन के लोगों से नहीं मिलेगा, इन सिविल सोसाइटी के लोगों से नहीं मिलेगा। हम जा रहे, देखते हैं, मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो देखेंगे। एडीआर की जो पिटीशन है, मैं समझता हूं अब तक की जितनी भी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाली गई है, एडीआर की पिटीशन ईवीएम के मसले पर सबसे बेहतरीन, सबसे बढ़िया पिटीशन है। उसमें तमाम सबूत दिए गए हैं, तमाम तथ्य दिए गए हैं। अब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का है कि वो इसे प्रॉपर तरीके से कानूनी रूप से न्याय करते हुए डिसाइड करे। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट डिसाइड नहीं कर रही तो प्रश्न चिन्ह तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी लग रहा है। पर हमारा बहुत सीधा सा है, हमें, मैं बार बार कहा है, हमें अदालतों पर ज्यादा भरोसा नहीं है। और इस देश में जिस तरह से सभी संवैधानिक संस्थाएं, सभी सरकारी विभाग सरकार के चरण चुंबन में लगे हुए हैं, उसकी गुलामी कर रहे हैं, साष्टांग उसके सामने नमन कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में और जब अदालतें भी कुछ नहीं कर पा रही है, जनता को न्याय नहीं दे पा रही, केवल और केवल एक रास्ता बचता है, इसको देश के लोग जितनी जल्दी समझ लें उतना उनके हित में है। अगर नहीं समझेंगे तो दिक्कत होगी कि आज स्थिति ऐसी है, जन आंदोलन के बिना इस देश की समस्याओं का समाधान होने वाला अब नहीं है। इसलिए जन आंदोलन के लिए हम लोग लगातार कोशिश करें और धन्यवाद आप सारे साथियों को, मीडिया साथियों को, क्योंकि आज की तारीख में इस लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए आप ही चौथा स्तंभ हैं। वो जो मेन स्ट्रीम मीडिया कहा जाता है वो तो लेट चुका सरकार के सामने, पूरी तरह से गुलामी कर चुका है। मैसेज जारी किया है कि पारदर्शिता होते हैं ये चुनाव। यार मेरे एक 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 करके सवाल पूछो ना, अब पूछो, आप बताओ। चुनाव आयोग ने मैसेज जारी कर दिया है कि बहुत पारदर्शिता चुनाव होते हैं, गुमराह होने की जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग बताए, दिखाए इस देश की जनता को, इस देश के 100 करोड़ वोटर को दिखाए कि ये किस तरह से, ये चुनाव किस तरह से पारदर्शी है जिसे वो बता रहा है। कैसे पारदर्शी है? जिस मशीन से वोटें गिनी जाती है, हम में से किसी को उसमें वोट जाती हुई दिखती नहीं है, और जिसमें वोट जाती है उसकी पर्ची हमें मिलती नहीं है, उसकी गिनती होती नहीं है। कैसे करा इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग कैसे करा है कि पारदर्शिता है? किसकी 19 लाख ईवीएम जो गायब? 100% भाई, बॉम्बे हाईकोर्ट में ये पिटीशन आज भी पेंडिंग है जो वहां के बॉम्बे के एक्टिविस्ट मनोरंजन राय ने डाली है। और एग्जैक्ट बताता हूँ, जो ईवीएम गायब हैं, 18,94,205 ईवीएम गायब हैं बाकायदा उनके रिकॉर्ड के हिसाब से। तो इलेक्शन कमीशन जवाब क्यों नहीं देता, कहाँ है ये? ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि अगर इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठ रहे हैं तो उनका तरीके से जवाब दे, इस देश की जनता को क्लियर करे हर चीज। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है इस देश में इलेक्शन पूरी तरह से स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी होना चाहिए, फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, यही उसकी जिम्मेदारी है, यही उसका काम है। और आज की प्रक्रिया में इलेक्शन कमीशन की जो प्रक्रिया है, इलेक्शन की जो प्रक्रिया है, वो पूरी तरह से केवल और केवल इलेक्शन कमीशन पे विश्वास करके चल रही है। कोई संत है क्या इलेक्शन कमीशन? क्या है वो? वो जनता का नौकर है इलेक्शन कमीशन, पब्लिक सर्वेंट है वो, उसकी जिम्मेदारी है, संविधान ने उसको अधिकार दिए हैं, इस देश की जनता को बताए कि वो, इस देश की जनता को बताए कि हमारा प्रोसेस इस तरह से है, कोई भी आके देखे, पब्लिक ऑडिट के लिए वो बिल्कुल ओपन होना चाहिए कि हमारा प्रोसेस जो है बिल्कुल पारदर्शी है, ऐसा नहीं है। पब्लिक ऑडिट 2017 में ओपन किया गया था कि सामने आइए और साबित करके दिखाइए कि ये टेम्परेबल है। अब जा रहे हैं ना वो पॉलिटिकल पार्टीज को कहा था, अब जा रहे हैं ना हम लोग, वकील लोग जा रहे हैं ना, पब्लिक जा रहे हैं। और महमूद भाई ने जिस तरह से कहा 50 ईवीएम दो ना हमें, लेकिन 50 ईवीएम, 50 ईवीएम पे 50 नहीं गए हम, हम नहीं गए, बोलो इसमें क्या है? इलेक्शन कमीशन बिल्कुल जाएंगे, इससे पहले क्यों, कौन रोक सकता है? कोई अधिकार है क्या किसी को? हमको अधिकार है कि जब हमें लगेगा ठीक स्थिति है हम तब जाएंगे। लेकिन जब बुलाया गया तब जाना चाहिए था आपको। हम इलेक्शन कमीशन के गुलाम नहीं है,
कि वो बुलाएगा तब जाएंगे। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। आज थोड़ी प्लीज प्लीज किसी को इलेक्शन कमीशन की कोई जवाबदेही नहीं है किसी की। इलेक्शन कमीशन की जवाबदेही है इस देश में फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होना चाहिए और वो दिखाया जाना चाहिए बाकायदा। परमिशन है जाने के लिए, हजारों एप्लीकेशन है, आपके जाने से कितना बदलाव होगा? वकील साहब परमिशन है। भैया मुझे किसी का सवाल समझ में नहीं आया, तुम सारे बोल रहे हो। परमिशन है आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, परमिशन की जरूरत नहीं है। हम मार्च करते हुए जा रहे हैं, हम एज डेलीगेशन के रूप में जा रहे हैं, परमिशन की जरूरत नहीं है। इलेक्शन कमीशन में पहले ही हजारों एप्लीकेशन पेंडिंग है, आपके जाने से कितना फर्क पड़ेगा? अगर इलेक्शन कमीशन ईमानदार होता तो हमें जाने की जरूरत ही नहीं थी। इलेक्शन कमीशन ने जो मध्य प्रदेश में चुनाव हुए हैं 14,000 एप्लीकेशन को जो कंप्लेंट है उनको डिसाइड नहीं किया, जिसके लिए नरेंद्र मिश्र जी ने पिटीशन डाल रखी सुप्रीम कोर्ट में। इलेक्शन कमीशन बेईमान है, यही शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। अगर ईमानदार होता तो पहले उन्हें डिसाइड करता, उसके बाद काउंटिंग कराता और देन रिजल्ट डिक्लेयर करता। हमें नहीं मालूम कि कितना फर्क पड़ेगा। हमारा एक ही ध्येय है कि हम लोगों के सामने ये सिद्ध करना चाहते हैं कि कौन कौन आपके वोटों को लूट रहा है, और इसलिए हम देश में जन आंदोलन की तैयारी कर चुके हैं, जन आंदोलन खड़ा करेंगे। जनता हमारे साथ आ रही है लगातार, और ये जो गड़बड़ी हो रही है ईवीएम की, इसे खत्म करेंगे। इंडिया एलायंस का कोई डेलीगेट से बात हुई आपकी? इंडिया एलायंस की कोई किसी डेलीगेट से? कल के लिए बोलो, कल के लिए। इंडिया एलायंस की कोई डेलीगेट से बात हुई है सर? इंडिया एलायंस के जो डेलीगेट्स हैं पार्टियों के, हमने उनको बाकायदा उनके ईमेल पर लेटर भेजे हैं कल के लिए। कल जंतर मंतर पर 1 बजे से हमारा आंदोलन है, 5 बजे तक। हमने बाकायदा राहुल गांधी जी को भेजा मैसेज, हमने खड़गे साहब को भेजा है, हमने अखिलेश यादव जी को भेजा है, हमने आरजेडी के लालू प्रसाद यादव जी को भेजा है, तेजस्वी यादव जी को भेजा है, नीतीश कुमार जी को भेजा है, ममता जी को भेजा है, अरविंद केजरीवाल जी को भेजा है, और अभी हम भेज रहे हैं उनको मोवा मोत्रा जी को, सबको हमने भेज रहे हैं हम लोग। अगर ये लोग आते हैं इनका धन्यवाद, अगर नहीं आते हैं तो जनता आंदोलन करेगी, जन आंदोलन देश में होगा।